नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने कर्म योग की चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने श्लोक एक से लेकर और श्लोक चार तक के ऊपर थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था, मंथन किया था, उसे समझने की कोशिश की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म योग क्या है, किस तरह से कर्म को करना चाहिए, किस तरह से न कर्म की तरफ भागना चाहिए न कर्म से दूर हटना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं श्लोक पांच से स्टार्ट करूंगा और श्लोक पांच में कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। पहले भाग के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस श्लोक के पहले भाग में कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। पहली चीज तो ये कि यहां पर गुणों की बात की जा रही है, प्रकृति से अर्जित गुण। अब जब भी कृष्ण प्रकृति की बात करें तो प्रकृति से उनका मतलब है आपका जो शरीर और मन है उसके अंदर जो कर्म करने की एक टेंडेंसी है, आपका जो बॉडी है और माइंड है, वो पैदा होते साथ ही, पैदा होने के बाद ही या जन्म से ही कर्म करने की टेंडेंसी लेके पैदा होता है। उसके अंदर एक विशेष तरह की टेंडेंसी होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जन्म से ही आलसी होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो बिना एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। कुछ लोग जन्म से ही शांत होते हैं, वो बस उतना ही करते हैं जितना करने की ज़रूरत है, और जब करते हैं तो पूरा मन लगा के करते हैं, और उसके बाद जब कर्म खत्म हो जाता है तो वो कर्म से हट जाते हैं अपने आप। प्रकृति के तीन गुणों की चर्चा कृष्ण आगे कर्मयोग में करते हैं, हम लोग समझेंगे उसे भी। बट फिलहाल कृष्ण यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कर्म करना, अगर आप इस दुनिया में हैं तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी भी जीव योनि के अंदर हों, आप किसी भी तरह के, प्रकृति के अंदर हजारों तरह के, इनफैक्ट करोड़ों तरह के जीव हैं, करोड़ों तरह की लाइफ फॉर्म है, मिलियंस एंड बिलियंस टाइप की लाइफ फॉर्म है। ऐसी है जो दिखती है और ऐसी भी है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन हर कोई अपने अपने लेवल पे अपना अपना कर्म कर रहा है। किस चीज़ के अकॉर्डिंग? प्रकृति से अर्जित गुणों से, यानी प्रकृति से जो कर्म करने की टेंडेंसी मिली है उसके अकॉर्डिंग वो कर्म किए चला जा रहा है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन कर्म करने के लिए ही मिला है। आप इस जीवन में हैं तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट पेट तो भरना ही पड़ेगा, एटलीस्ट अपने शरीर की सुरक्षा तो आपको करनी ही पड़ेगी, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, कम से कम इस शरीर को आराम तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा, वो थकेगा, वो आराम में भी जाएगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप इस, अगर इस दुनिया में हैं, अगर आप इस पृथ्वी पर हैं, तो कर्म करना आपका परम धर्म है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। किस तरह का कर्म करते हैं, अब इसमें कृष्ण ये नहीं बताते कि आपको करना क्या है, वो चुनाव आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि किस तरह का कर्म करना है, वो आपको डिसाइड करना है। इस जीवन, इस मनुष्य जीवन को आप जितना ऊंचा ले जाना चाहें अपने कर्मों के द्वारा उतना ऊंचा भी उठा सकते हैं, और जितना नीचे गिराना चाहें उतना नीचे भी गिरा सकते हैं। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है इस प्रकृति के अंदर जिसके पास चॉइस है, जिसको चॉइस दी गई है कि वो सेलेक्ट कर सकता है। इंसान को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतु इंस्टिंक्ट के साथ चलते हैं। उनका अपना एक इंस्टिंक्ट है कि शेर को अगर मांस खाना है तो वो मांस खाएगा, हिरन को घास खाना है तो
हिरन घास खाएगा, हाथी को कुछ और करना है तो वो करेगा। हर कोई अपनी प्रकृति के, अपनी इंस्टिंक्ट के अनुसार चले जा रहा है। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो दिमाग है, वो इससे ऊपर उठ चुका है और उसके पास चुनाव की आज़ादी है। वो चुन सकता है, अपने कर्म के बीच चुनाव कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। और यही सबसे बड़ी गरिमा है एक मनुष्य की, और यही अगर वो इसे संभाल पाए तो यही सबसे बड़ी गरिमा है, और अगर वो ना संभाल पाए तो यही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। क्योंकि लाइफ आपको, या जिंदगी या जीवन आपको ये नहीं बताता कि आपको किस तरह का कर्म करना है। ये आज़ादी जीवन ने आपके ऊपर छोड़ी है। अगर आप गलत कर्म करते हैं, किसी भी तरह के गलत कर्म में जाते हैं, तो आप दुख भोगेंगे। जीवन आपको दुख देना नहीं चाहता। नियम ऐसा है कि अगर आप गलत कर्म करेंगे तो दुख भोगेंगे। अगर जो आदमी झूठ बोलेगा वो चैन से नहीं सो सकता, अपने ही झूठ बोलने की वजह से, क्योंकि वो इतना बेचैनी से भर जाएगा झूठ बोलने के बाद कि चैन से सोना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो चैन से सो जाए। दूसरी तरफ एक आदमी है जो सच बोलता है, अपनी खुशी से सच बोलता है, इसलिए नहीं कि उसे दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना सच्चा आदमी हूँ, बट वो अपने आप को शांत रखना चाहता है, अपने मन को शांत रखना चाहता है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट झूठ नहीं बोलता, वो सच ही बोलता है। तो ऐसे आदमी, जो आदमी सच बोलता है और सच बोलने के बदले में उसे कुछ चाहिए नहीं, ना कोई इनाम चाहिए, ना कोई तारीफ चाहिए, बस सच बोलना ही उसका सुख है, तो ऐसा आदमी रात को चैन की नींद सो सकता है, सुख के साथ अपना जीवन बिता सकता है। सिर्फ इसीलिए बोला गया है कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो हमेशा एक भय में जीता है, एक डर में जीता है कि कहीं उसका डर पकड़ा, कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन सच बोलने वाले व्यक्ति के पास पैसा हो या ना हो, वो चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि उसे डर नहीं है किसी चीज़ का, उसने कुछ छुपाया ही नहीं है, तो डरेगा क्यों, जो भी है जैसा है वैसा है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों के जैसे गुण, जैसी टेंडेंसीज उसने अर्जित की हैं, या जीवन भर वो जैसी टेंडेंसीज बनाता चला जाता है, उसी से विवश होकर उसे कर्म करना पड़ता है। इस एक तरीके से यहाँ पर इंडिकेशन किया जा रहा है आपकी आदतों की तरफ। आदतें कैसे बनती हैं? रिपीटिशंस से। आप जैसे एक्शंस को रिपीट करते चले जाएंगे, वैसी आपकी आदतें बनती चली जाएंगी, वैसे आपके गुण बनते चले जाएंगे, और वैसे ही गुणों के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। लाओत्से इसके बारे में बहुत इंडिकेट करते थे। लाओत्से का एक चेनिंग का तरीका था, वो चेन कर देते थे कि आप पता लगा सकते हैं। तो लाओत्से कहते थे कि वॉच योर थॉट्स, आप अपने विचारों को देखिए, क्योंकि विचार ही इमोशंस बन जाते हैं। इमोशंस को देखिए, क्योंकि इमोशंस ही एक्शन बनते हैं। एक्शन को देखिए, एक्शन ही आपकी हैबिट बनेगी। हैबिट को देखिए, हैबिट ही आपका कैरेक्टर बनेगी, और कैरेक्टर को देखिए, कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी बनेगी। वॉच योर थॉट्स, योर थॉट बिकम्स इमोशन, योर थॉट्स बिकम्स योर इमोशन। वॉच योर इमोशंस बिकम योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस बिकम योर हैबिट। वॉच योर हैबिट becomes your character, and watch your character becomes your destiny। ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीका था लाओत्से का बताने का कि किस तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रेस डाउन कर सकते हो। सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके थॉट से शुरुआत होती है। तो जैसे आपके थॉट होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। आगे चलते हैं अगले श्लोक में। ये श्लोक है श्लोक नंबर 6। इसमें कृष्ण कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का
चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। क्या कह रहे हैं कृष्ण यहाँ से इस श्लोक के अंदर, क्या कहना चाहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, यानी जो फोर्सफुली कर्मेंद्रियाँ, सबसे पहले ये कर्मेंद्रिया शब्द क्या है, आपकी पांच सेंसेस जो हैं जिनसे आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, आज आपकी बॉडी में जो फाइव सेंसेस लगी हुई हैं, आँख नाक कान त्वचा जीभ जिह्वा आपकी टंग आपकी नोज, ओके, इसी से आपको पता चलता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो क्या रहा है, बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, इसी से आपको पता चलता है। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, फोर्सफुली अपने ऊपर लगाम तो लगाए रखता है इनके ऊपर कि यहाँ नहीं देखना वहाँ नहीं देखना, ऐसा नहीं खाना वैसा नहीं खाना, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, वो ज़बरदस्ती इंद्रियों को वश में तो करने की कोशिश करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि अगर आपका जो मन है वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, आपका जो मन है वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, और इस श्लोक के अंदर कृष्ण बता रहे हैं कि आप इस ज़िद्दी बच्चे को कैसे बिगाड़ देते हो और ज़्यादा। एक तो ये वैसे ही शोर मचाता रहता है, ऊपर से आप इसे और किस तरीके से बिगाड़ देते हो, आप ज़बरदस्ती अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आपका मन हो रहा है मैं जाके चाट खा लूँ, आपका मन हो रहा है कि मैं कहीं घूम के आऊँ, मैं सुंदर कपड़े पहनूँ, लेकिन आपका मन तो कर रहा है लेकिन आप ज़बरदस्ती इस पर लगाम लगाए हुए कि नहीं नहीं अभी नहीं करना। मैं करना चाहता हूँ बहुत ज़ोर से लेकिन नहीं अभी नहीं करना। अब होता क्या है जब आप ऐसा करते हो, ऐसा करने से आप अपने मन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हो, एक हिस्सा कहता है कि मुझे करना है, दूसरा हिस्सा कहता है मुझे नहीं करना है, और इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, और अंत में वो हिस्सा ही जीतेगा जो ये कहता है कि मैं करना चाहता हूँ। तो बजाय कि आप फोर्सफुली अपने आप को रोकें, आप ये समझें कि क्यों आपका मन कर रहा है। अगर आपका किसी खास चीज़ की तरफ झुकाव हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं शराब पी लूं या मैं तीखा चटपटा खाऊं, तो क्यों ऐसा मन, आपका मन इस तरफ क्यों भाग रहा है, और इसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप हिंदू धर्म में ये चीज़ बोला गया है, सनातन धर्म के अंदर ये चीज़ बोली गई है कि जो भोग नहीं सकता वो छुटकारा भी नहीं पा सकता। भोगना छुटकारा पाने का एक तरीका है, लेकिन कैसे भोगना, आपने देखा होगा लोग तो भोगे जा रहे हैं लेकिन छुटकारा तो मिलता नहीं है, तो ध्यान से भोगना। जब आप देखें कि आप शराब पीते हैं तो क्या होता है आपके मन के अंदर, जब आप बाहर जाकर कोई फास्ट फूड खाना चाहते हैं, कोई चाट खाना चाहते हैं, तो क्या होता है आपके मन के अंदर, जब आप उस चाट को अपनी जीभ पर रखते हैं तो क्या होता है, किस तरह की सेंसेशंस क्रिएट होती हैं। आप पेट भरने के लिए तो डेफिनेटली नहीं खा रहे हैं उसे, किस लिए खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाट खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चाट क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक खास तरह की सेंसेशन होती है, आप जब जीभ पर चाट को रखते हैं तो एक खास तरह की टिंकरिंग होती है, एक खास तरह की सेंसेशन आपकी जीभ पर आपको महसूस देगी, और आप चाहते हैं कि बार बार वही सेंसेशन का सुख आपको मिलता रहे। आपने ये कोट बार बार कई बार सुना होगा ना कि मन तो भर गया, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, इसका मतलब क्या है, पेट में उतना पहुंच चुका है जितना पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो जो सेंसेशंस की भूख है वो अभी शांत नहीं हुई है। आपने कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हो किया होगा कि गोलगप्पा मुंह में रखा, उसे मुंह में घुमाया और थूक दिया,
आप क्या करते हैं, पेट भर जाता है लेकिन आप फिर भी खाते जाते हैं खाते जाते हैं, और उसका नतीजा भुगतना पड़ता है किसको, पेट को। तो इंद्रियों को जबरदस्ती वश में ना करने की कोशिश करें, ये समझें कि चीज़ें, अगर इंद्रियां किसी तरफ भाग रही हैं तो वो क्यों भाग रही हैं, आपकी किस टेंडेंसी की वजह से वो उस तरफ भाग रही हैं। आप चाट खाना चाहते हैं, खाएं, लेकिन एक लिमिट में खाएं। सो जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों पर चिंतन करता रहता है, वो इंद्रियों पर काबू तो करना चाहता है और काबू करता भी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर आप काबू करोगे तो आपका दिमाग दो भाग में बट जाएगा, आपका मन दो भाग में बट जाएगा। एक हिस्सा कहेगा मैं नहीं करना चाहता, दूसरा हिस्सा उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा। वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी किसको बोलते हैं, वो स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि अंदर से वो करना चाहता है लेकिन दिखाता है कि नहीं करना चाहता। तो ऐसा आदमी मिथ्याचारी किसको बोलते हैं, ढोंगी पाखंडी को। एक आइडियल लाइफ, अब यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है, एक आइडियल लाइफ की बात की जा रही है। ऐसा आदमी जो आइडियल लाइफ जीने की कोशिश करता है वो फंस जाएगा अंत में जाके, उसे दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, डबल स्टैंडर्ड्स उसे जीने ही पड़ेंगे, वो मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे बाहर अपनी एक इमेज मेंटेन रखनी है, तो वो बाहर दिखाएगा कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता हूँ, गलत काम कुछ होता नहीं है, बट दुनिया की नज़रों में जो गलत काम है, वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पीछे पीछे वो करता रहेगा, जैसे दुनिया मानती है, ख़ासतौर पर उत्तर भारत की जो सोसाइटी है उसके अंदर शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सामने बोलेंगे कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन आपको छुप छुप कर शराब पीते हुए पाए जाएंगे। इसको बोलते हैं मिथ्याचारी होना, डबल स्टैंडर्ड होना। इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जहाँ रहो इकट्ठे रहो, यूनाइटेड रहो, अपने मन को दो हिस्सों में मत तोड़ो, अपने मन को विभाजित मत करो। अगर मन कह रहा है कि चाट खानी है तो खाओ जाके, लेकिन साथ ही साथ ध्यान से खाओ और ये समझो कि क्यों आपका मन इस चाट के पीछे पागल रहता है। अगर आपने ध्यान से वो काम कर लिया और उसकी वजह को ट्रेस डाउन कर लिया कि क्यों ये मन करता है, हो सकता है इसलिए करता हो कि आपका मन प्लेजर को एक्सट्रैक्ट करने में बड़ा रस लेता है, उसे बस मज़ा लेना है चीज़ों से, भले उस मज़े में हेल्थ क्यों ना खराब हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप खाओ लेकिन एक लिमिट में खाओ। आप दिन डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस दिन खाना है, वीक में आप एक दिन डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस दिन खाना है, डेली नहीं खाऊंगा। इस तरीके से आप इससे बच सकते हो। लेकिन अगर आप ये करोगे कि आप ज़बरदस्ती अपनी सेंसेस पे कंट्रोल लगाओगे, अपने माइंड पे कंट्रोल लगाओगे, तो आपको दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, कोई नहीं बचा सकता आपको। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे श्लोक नंबर 7 के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।